सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि दोस्तों आज RRP LV CB22 का रिजल्ट दोस्तों आया था रात को, कल रात को 11 बजे आ चुका है दोस्तों। और कई लोगों के दोस्तों मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों के दोस्तों जो प्रो रेटेड मार्क्स है उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी दोस्तों। तो यहाँ RRB ने अपनी गलती मान ली है। जी हाँ दोस्तों, RRB ने अपनी गलती मान ली है और दोबारा से स्कोर कार्ड जारी किया गया दोस्तों। और इसके साथ उन्होंने एक नोटिस के साथ में दोस्तों आपके जो रिजल्ट है दोबारा अपलोड किया गया है। तो दोस्तों सभी लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात है, जो भी लोग निराश हो रहे थे, जो भी लोगों को उससे गलती लग रही थी कि रेलवे बोर्ड ने कुछ गलती की, तो हाँ दोस्तों रेलवे बोर्ड ने गलती की है। और ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि रेलवे बोर्ड ने अपनी गलती इतनी जल्दी मान ली हो और रिजल्ट सुधार के दे दिया हो दोस्तों। देखिए दोस्तों जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, अपना रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने जो रेलवे ने अपनी गलती जो है मान ली है, ठीक है, सबका स्कोर कार्ड दोस्तों राइट हो गया, मॉडिफाइड स्कोर कार्ड आ चुका है। जल्दी से आप चेक कीजिए, RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, मॉडिफाइड रिजल्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसको किस तरह से चेक करना है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि किस तरह से पूरा प्रोसीजर है आपको ये चेक करना है और आपको बताना है कि मेरे कितने नंबर आए हैं कितने नहीं आए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, देख लेते हैं। और दोस्तों इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रेलवे से जुड़ी पल पल की खबरें मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। जी हाँ, वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगती है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं अपना स्कोर कार्ड कितना है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको करना है कि आप किसी भी बोर्ड का दोस्तों, जो भी RRB भोपाल हो, अहमदाबाद हो, अहमदाबाद हो, किसी भी जगह का आपको बोर्ड का मेन साइट जो है ओपन करके रखनी है दोस्तों। यहाँ आपको देखिए मैंने RRB भोपाल की जो साइट है ओपन करके रखी हुई है दोस्तों। आपको यहाँ नीचे आना है, जो आपका सबसे जो नीचे वाला पोर्शन था जहाँ आपने ALP का सुबह रिजल्ट चेक किया था दोस्तों, वहाँ आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ जो है हम यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको दोबारा से जो है ये जो लॉगिन वाला सेक्शन था आपका, जहाँ आप पहले रिजल्ट चेक कर रहे थे, वहीं पर आपको दोबारा से क्लिक करके आपका रिजल्ट देखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ एक नोटिस आ जाएगा। क्या लगा है नोटिस में पूरा आपको पढ़ के बताता हूँ दोस्तों, धीरे धीरे समझिए। यहाँ लगे दोस्तों डियर कैंडिडेट, एन एरर वॉज ऑब्जर्व इन द प्रोविजनल प्रोरेटेड एंड नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ पार्ट बी। यानी कि दोस्तों प्रोविजनल प्रोरेटेड मार्क्स और नॉर्मलाइज दोनों में दोस्तों कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। इट हैज़ बिन करेक्टेड एंड अपडेटेड ऑन 24 मार्च 2019। यानी कि आपने जो गलती सिर्फ दोस्तों प्रोरेटेड मार्क्स में नहीं, नॉर्मलाइज मार्क्स में भी कई लोगों की गलती है। तो जल्दी से दोस्तों आप अपने दोनों मार्क्स जो पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे तो वो भी मार्क्स अपने चेक कीजिए दोस्तों। सभी का मार्क्स बदल के आया है एंड अपडेटेड, एंड ये जो अपडेट किया गया दोस्तों यहाँ लिखा है पार्ट बी, इट हैज़ बिन करेक्टेड एंड अपडेटेड ऑन 24 मार्च 2019 एट 3 PM। यानी कि 3 बजे आपका रिजल्ट अपडेट हो चुका है। काइंडली लॉग इन टू व्यू योर करेक्ट प्रोविजनल स्कोर कार्ड। यानी कि आपको अब लॉग इन करके दोबारा से अपना स्कोर कार्ड देखना है। इनकन्वीनियंस कॉज इज रिग्रेटेड। यानी कि रेलवे यहाँ पे देखिए आपसे माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि जो भी आपको उसकी वजह से मेहनत करनी पड़ी, ज़्यादा आपके प्रॉब्लम हुई, आपको किसी भी तरह की परेशानी, उसके लिए वो माफ़ी मांगता है दोस्तों। यहाँ पूरा जो स्कोर, यहाँ नोटिस उसने लॉग इन के साथ ही दिया है। यहाँ पर उसके बाद आना है और नीचे आपको देखिए लॉग इन करना है। आपको अपना यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना है और आपको अपना लॉगिन करके अपना दोबारा से स्कोर कार्ड देना है। तो दोस्तों जल्दी से अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिए और जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, कितना रहा, उसकी बेस पर हम आपको नेक्स्ट फिर कट ऑफ बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी कीजिए दोस्तों और अपना जो है स्कोर कार्ड बताइए हमें कि क्या आपका स्कोर रहा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे स्टार्ट करते हैं।